अस्सलाम वालेकुम। कतर क्रिएटर में आप सबका स्वागत है। यदि आप कतर में रहते हैं, कतर के अहम तरीन खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जो आपको लोगों को न्यूज बताने वाला हूँ वो इंडिया से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। वो खबर यह है दोस्तों कि बीते दिनों दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जो नूपुर शर्मा और बीजेपी पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के तरफ से ये बयान दिया गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक विवादित बयान, जिसे बोल सकते हैं आप, वो दिया गया था। दोस्तों, आज मैं उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही उनके ऊपर गाज गिरी हुई है। नूपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में कोई पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया गया था। वो FIR को लेकर के दोस्तों नूपुर शर्मा बहुत ही घिरी दिख रही हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि दोस्तों मुंबई पुलिस दिल्ली जाकर के उनको सम्मन देना था नूपुर शर्मा को, तो मुंबई की पुलिस दिल्ली में जाकर के उनको सम्मन देने के लिए बहुत ही कोशिश करे, लेकिन वो सम्मन नहीं दे सकी। वहाँ की जो लोकल टीम है, यानी वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के पुलिस के मदद से बहुत ही उनको प्रयास किया गया कि सम्मन दिया जाए, लेकिन सम्मन नहीं दे सके। क्योंकि वो शायद बताने वाले सूत्रों के मुताबिक से ये पता चला है कि नूपुर शर्मा दिल्ली में नहीं मिल रही है या कहाँ है, उनको ढूंढने के बाद भी, बहुत ही कोशिश के बाद भी उनको नहीं पाया गया। उल्टा वापस पुलिस जो है, मुंबई की पुलिस जो गई थी वापस चली आई थी। उसके बाद में दोस्तों वहाँ के जो रहने वाली पुलिस है उनको लोग बता रहे हैं, जो है टेलीग्राम एक चैनल है, टेलीग्राम का जो न्यूज है उसके मुताबिक ये पता चला है कि मुंबई दिल्ली की पुलिस बहुत ही ज़्यादा जो है उनको मदद में, दिल्ली पुलिस ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई मुंबई पुलिस का। तो दोस्तों, वो जो है पुलिस वापस मुंबई तो आ गई है, मुंबई आने के बाद उनको अधिनियम के द्वारा, यानी ईमेल के द्वारा उनको जो है सम्मन दे दिया गया है। तो दोस्तों, उस सम्मन का जो लेना देना था वो ये है कि 25 जून से पहले, यानी 25 जून को करीब 11 बजे 11:30 बजे के पहले उनको टाइम दिया गया है कि वो अपना बयान दर्ज करवा लें। दोस्तों, अगर जो है बहुत सारे एडवोकेट हैं या जो भी कानून के जानकार हैं, वो उनका कहना है, उनसे ये पता चला है कि अगर वो नहीं बयान दिए 25 जून से पहले या 25 जून तक, तो शायद उनको अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकता है। अगर उन्होंने 25 जून सुबह 11:30 तक वो अगर हाजिर नहीं हुए, अपनी बयान नहीं दर्ज करवा सकेंगे, तो शायद लोगों का मानना है कि अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है और नूपुर शर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, वही नूपुर शर्मा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विवादित बयानों से जानी जाती है, उसी को जो है अलकायदा की तरफ से धमकियां भी मिली है। दोस्तों, अलकायदा भी कोई कम नहीं है। अलकायदा तो कहा ही जाने वाला है, पूरी दुनिया में मशहूर या हिंदुस्तान में मशहूर है कि अलकायदा आतंकवादी है। दोस्तों, नूपुर शर्मा के खिलाफ ये जो एक्शन लिया गया था मिली नहीं, और वो जाने के बाद उनके घर से या उनके आवास पर, वहाँ से ये पता चला कि नूपुर शर्मा यहाँ अभी नहीं है। तो दोस्तों, वारंट भी जो जारी हुआ था, सम्मन जो जारी किया गया था, वो सम्मन नहीं दे पाई मुंबई की पुलिस, वापस चली आई है और अधिनियम के द्वारा उनको सम्मन दे दिया गया है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि 25 तारीख से पहले वो अपनी बयान दर्ज करवा सकती हैं कि नहीं। तो अगर बयान नहीं दर्ज हो पाएगा तो कानून स्पट के मुताबिक अगर वो बयान नहीं दर्ज कर पाएंगे तो उनको अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और
अलकायदा का ये खुला बयान ये दिया गया था, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। हम भी तैयार हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हो सकता है यहाँ पर कोई भी कारनामा अलकायदा की तरफ से किया जाए। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे हालात इंडिया के बना के रख रहे हैं कि लोग रहना सहना क्या हिंदू क्या मुस्लिम, दोस्तों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।